दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुन शायद ही आपको विश्वास हो, परंतु दोस्तों इससे जुड़ी जो भी बातें हैं वे एकदम सच है। जी हाँ दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं वहाँ पर माना जाता है कि साक्षात हनुमान जी आज भी विराजते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति ध्यानमग्न होकर बैठे तो उसे हनुमान जी के सांसों की आवाज साफ साफ सुनाई देती है, साथ ही राम नाम की ध्वनि भी वह आसानी से सुन सकता है। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भी भगवान हनुमान धरती पर अज्ञात रूप में वास करते हैं, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। भगवान हनुमान के कई मंदिरों में जुड़े किस्से हैं जो उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, और आज हम आपको एक ऐसे ही हनुमान मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां हनुमान जी राम नाम की माला जप रहे हैं और उनके मुंह से निकली राम नाम की आवाज आप यहां साफ साफ सुन सकते हैं। दोस्तों यह हनुमान मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा में है। इस मंदिर को पिलुआ महावीर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर इटावा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव रूरा में स्थित है। यमुना किनारे स्थित इस हनुमान मंदिर में दूर दूर से हनुमान भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर में ध्यान मग्न होकर बैठने पर हनुमान जी की सांसों की आवाज सुनाई देती है, साथ ही राम नाम की ध्वनि भी निकलती है। इस मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है और इनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ हनुमान जी के मुख पर लड्डू और बूंदी का भोग चढ़ाया जाता है, जो बड़े ही चमत्कारी एवं रहस्यमयी ढंग से कुछ देर बाद गायब हो जाता है। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यह प्रसाद गायब कहाँ होता है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि पिलुआ महावीर मंदिर में सच्चे मन और साफ नियत से मांगी गई हर मुराद जल्द पूरी हो जाती है, साथ ही हनुमान जी खुद यहाँ उपस्थित होने का एहसास भी कराते हैं। यही कारण है कि पिलुआ महावीर मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन को दूर दूर से भक्त आते हैं और मनोकामना की मांग करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में एक बार सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। धन्यवाद।